आदमखोर। पीलीभीत मिर्जापुर में शिकारी सियार, काटा तो सबको था सियार। लखीमपुर में घूम रहा नरभक्षी बाघ, कुछ समय पहले ही टाइगर यहाँ से गुजरा है आप देख रहे। सीतापुर में जंगली जानवरों की दहशत, बरेली में चार लोग आदमखोर के शिकार। अपना ध्यान रखे, सजग रहे, रात रात बाहर ना निकले अकेले। बिजनौर में पकड़ा गया गुलदार, आगरा में तेंदुए का आतंक, हरदोई में भेड़िये की दहशत। दांत बाहर खाए, बताया जा रहा है 3 दिन से हमला किया है। दहशत का शोर गांव गांव, आदमखोर। तो देखिए, बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का आतंक लगातार जारी है। वन विभाग की टीम भेड़ियों की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन भेड़िये लगातार वन विभाग की टीम को चकमा दे रहे हैं। अब इसी बीच कई जिलों से अलग अलग जंगली जानवरों के हमले की खबरें भी लगातार सामने आ रही है, जिसमें लखीमपुर खीरी है, मिर्जापुर है, पीलीभीत है, बरेली है। इन तमाम जिलों में कहीं बाघ की आहट है तो कहीं भेड़िये की, तो कहीं सियार के हमले हैं। देखिए रिपोर्ट। रात्रि में बच्चों को अच्छुए, डरे नहीं सावधान रहे। जी हाँ, डरे नहीं सावधान रहे। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का आतंक जारी है। वन विभाग की टीम भेड़ियों की तलाश में जुटी है, लेकिन भेड़िया लगातार चकमा दे रहा है। लगातार ड्रोन कैमरे से दहशत वाले इलाकों में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। गांव-गांव जाकर टीम लोगों को जागरूक भी कर रही है। हम इस वक्त कुलैला गांव में मौजूद हैं और यहां पर किस तरह से लोगों को जागरूक किया जा रहा है अनाउंसमेंट्स के जरिए, और कैसे जा जा करके घर में लोगों को समझाया जा रहा है कि वो अपने बच्चों को घर के अंदर ले जाएं, दरवाजा जहां पर लगा हो वहां ले जाएं, ताकि वो सुरक्षित रहें। देखिए यहां पर किस तरह से टॉर्च जला करके घर घर जा करके पूरी वॉलंटियर्स की टीम ऐसे ही जा रही है, और जो बच्चे बाहर सो रहे हैं उनको अंदर करने के लिए कह रही है। और देखिए बच्चे किस तरह से छत के ऊपर हैं, और बच्चों को छत के ऊपर ही रहने की सलाह दी गई है कि बच्चे नीचे ग्राउंड पर बाहर खुले में ना सोएं, इसलिए बच्चों को ऊपर ले जाया जा रहा है सीढ़ी से। ये माँ किस तरह से इन बच्चों के पास जा रही है, ये आप इन तस्वीरों में देखिए। लाठी डंडा लिए हुए खड़े हैं, रात भर ऐसे ही जागरण चलता है, एक टोली ऐसे ही लोगों को जागरूक करती है। रात भर हम सब लोग जागते हैं, सुबह 5 बजे बंद करते हैं जागरण। बहराइच में भेड़ियों के आतंक के बीच वन विभाग का मानना है कि लोग अफवाह भी फैला रहे हैं, सियार और कुत्तों के हमले को भी भेड़िये का हमला बता रहे हैं। वन विभाग ने लोगों से अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है। जनता की भी जिम्मेदारी बनती है, लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि इस समय बहराइच में जिस तरीके से भेड़ियों का तांडव है जी। ऐसे में उनको भी सोचना चाहिए कि हमको कम से कम डिस्टर्ब करें, अफवाहों पर ध्यान न दें, अपनी अकल लगाएं, और हमको जितना समय देंगे उतने अच्छा होगा सबके लिए, क्योंकि जितना समय हम उधर से उनकी अफवाहों पर, जो अफवाहें हैं, जो अफवाहों से जितना हम बचेंगे उतने हम सही जगह काम करने का मौका मिलेगा। अफवाह के कारण हो रही परेशानी के बीच वन विभाग ने बहराइच के दहशत वाले गांव में जागरूकता का पोस्टर भी लगा दिया है, जिसमें बिल्ली प्रजाति और कुत्तों के प्रजाति वाले जंगली जानवरों के पैरों के निशान लगाए गए हैं। बाघ, तेंदुआ, लकड़बग्घा, भेड़िया और सियार के पगचिन्हों के पोस्टर जगह जगह लगाए गए हैं, जिससे जानवरों को पहचानना लोगों के लिए आसान हो सकेगा। इसके साथ ही पोस्टर में इस पगचिन्हों की जानकारी भी दी गई है। बिल्ली प्रजाति यानी बाघ और तेंदुए के पैर के निशान में नाखून के मार्क्स नहीं होते, जबकि लकड़बग्घा, भेड़िये और सियार के पैर के निशान में नाखून के निशान भी दिखते हैं। इतना ही नहीं, इस पोस्टर के साथ जागरूकता के लिए क्या करें क्या ना करें, इसकी भी लिस्ट वन विभाग ने गांव में लगा दी है।
बहराइच में जारी ऑपरेशन भेड़िया के बीच कई जिलों से अलग अलग जंगली जानवरों के हमलों की खबर भी सामने आई। लखीमपुर खीरी में एक बार फिर बाघ की चहलकदमी देखने को मिली है। दिन में बाघ की चहलकदमी ने वन विभाग की नींद उड़ा दी है। खेतों में बाघ के पैरों के निशान देखे गए। टाइगर यहाँ से गुजरा है, आप देख सकते हैं, ये विजुअल है, ये विजुअल आप साफ देख सकते हैं। इसमें ये पंजा है, ये बिल्कुल खुला हुआ पूरा पंजा दिखाई दे रहा है। तो जो जानकार लोग हैं उनका ये कहना है कि ये पंजा खुला हुआ जब होता है, जब टाइगर भूखा होता है। तो इस समय जो बताया जा रहा है, जानकार लोग का कहना है कि इस समय वो उसमें अपने शिकार पे मौजूद है और लगातार अब 3 दिन से पहले उसने बकरियों को शिकार किया था, लेकिन उसके बाद कोई शिकार नहीं किया था। वन विभाग ने बाघ को पकड़ने के लिए 7 पिंजरे लगाए हैं। 44 कैमरे से बाघ की निगरानी की जा रही है। वन विभाग का मानना है कि बाघ 5 किलोमीटर के रेडियस में घूम रहा है। 27 अगस्त को इस बाघ ने एक लड़के पर हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया था। वन विभाग के लोग हाका लगाकर उसको कोशिश कर रहे हैं कि टाइगर से दूर हो, और लगातार देखिए गन्ने खेत में भी देखा था, इसी गन्ने खेत से निकला है। लगभग 2.5 से 3 साल का टाइगर बताया जा रहा है, और जो लगातार मूवमेंट कर रहा है, 7 से 8 किलोमीटर का मूवमेंट प्रतिदिन कर रहा है, और देखा जा रहा है लगातार लोगों को ट्रेस हो रहा है। देखिए ये डंडे की मदद से उसको ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि लगातार टाइगर को ट्रेस किया जाए, उसके बाद उसको ट्रैंकुलाइज किया जाए। क्या दिक्कतें आ रही है आप लोग को? दिक्कतें गन्ने की फसल, सबसे ज्यादा दिक्कत गन्ने की फसल है। छोटे क्षेत्र में कोई गन्ना है नहीं जिसको रिकवर किया जा सके, और सब बड़े क्षेत्रों में गन्ने हैं, और दूसरा नदी साथ में है। ट्रेस करके लोकेशन तो दें कहाँ है, वहीं पर वो करके उसको वाच किया जाए, वही टाइगर है कि दूसरा टाइगर है। पगमार्क भी देख रहे हैं, पगमार्क के बीच की दूरी भी देख रहे हैं। बहराइच में जारी भेड़ियों के आतंक के बीच कई जिलों में सियार के हमले की खबरें भी सामने आ रही हैं। मिर्जापुर में सियार ने हमला कर 7 लोगों को घायल कर दिया। घायलों का अस्पताल में इलाज करवाया गया। हलिया थाना इलाके के कुसियरा गांव की घटना बताई जा रही है। पहला बच्चा आया था छोटा, उसकी नाक पे कटा हुआ था, ज्यादा घाव था जी। तो थोड़ा सा ड्रेसिंग करके ईएनटी के लिए कहा था, आज ईएनटी डिपार्टमेंट में दिखा लिया जी। और सारे लगभग नॉर्मल थे, काटा तो सबको था यार, उनको सबको बाकायदा ईआरवी इंजेक्शन टीटी डाइक्लोनेक देके एंटीबायोटिक वगैरह देके ऐसे फिनिश कर दिया, इसके बाद दवाइयां देके घर भेज दी। पीलीभीत में बाघ और तेंदुए की दहशत के बीच अब यहां भी सियार का आतंक बढ़ गया है। जहानाबाद के सुसवार और पंसौली गांवों में सियार के हमले से 7 लोग घायल हुए हैं। सूचना के बाद वन विभाग की टीम पहुंची और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। जब हम गए टहला ना, तो जब झकड़न में से लिख रही, तो जाके मैं ले लो काट लो, एकदम लिपट गई आए कहे। किसने काट लिया? भुड़िया ने। सुबह मॉर्निंग में समथिंग 5 बजे के समथिंग माता जी हमारी घर से बाहर झाड़ू लगाने के लिए निकली, तो देखा कि निकलते ही झाड़ी में से भेड़िया निकला, जिसमें माता जी के हाथ में ये सामने काटा है, पैर में भी काफी काटा है। सुबह और कई बच्चों को, कम से कम 6-7 बच्चों को और 2-4 व्यक्तियों को भी काटा है। मुझे भेड़िया था जी, एकदम आके मतलब बच्चों पे सब पे लिपट रहा था, तो बचाने में हमें भी घायल कर दिया। किसने काट लिया भेड़िया? कहाँ काटा आपके? कमर में काटा। अरे तो कहाँ की घटना है ये? ये पास में, यही पुल के पास में। क्या भेड़िया थी? एक देखा। सीतापुर में भी जंगली जानवरों के हमले से एक लड़का घायल हो गया। पीड़ित का दावा है कि भेड़िये ने उस पर हमला किया था। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंचा वन विभाग जंगली जानवर की तलाश में जुट गया है। जिस खेत में लड़के पर हमला किया गया, वहां सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। पिसावा थाना के पिपरी शादीपुर की घटना बताई जा रही है। एकदम 3 भेड़िया घने से निकले, एक भेड़िया ने पूरा गले पटक किया, जब गाड़ी गिरी जोर स्पीड थी तो 2 तो भाग गए, एक को हमने पकड़ के साइड कर दिया, उसके दांत लग गए। बरेली में जंगली जानवरों के हमले लगातार जारी हैं। लोगों को आशंका है कि भेड़िये बार बार शिकार कर रहे हैं। लोगों की माने तो खेतों में काम करते वक्त जंगली जानवर हमला कर रहे हैं। अलग अलग हमलों में 4 लोग जख्मी हुए हैं। हालांकि वन विभाग के अफसर भेड़िये होने से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि अभी वन विभाग लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहा है। कि भेड़िया की बात यहाँ पे हो रही है, बट एनिमल अभी तक भी आइडेंटिफाइड नहीं है, और जिस तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट एविडेंसेस से ये पता करने की कौन सा एनिमल है, तो यही पता चल पा रहा है कि नॉर्मल या तो डॉग्स हैं या फिर कैट वहाँ पे देखी जा रही है। वहीं बिजनौर में वन विभाग को एक गुलदार को पकड़ने में कामयाबी मिली है। पिंजरे में कैद गुलदार को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। हल्दौर के जलालपुर भोड़ गांव में इस गुलदार की वजह से लोग दहशत में थे। ब्यूरो रिपोर्ट,
News18। तो बहराइच के करीब 50 गांवों में भेड़िये की दहशत है और देखिए इन गांवों में पूरी रात लोग जागकर गश्त कर रहे हैं। इस बीच न्यूज 18 की टीम उन लोगों से और उन गांवों में जाकर लोगों से मुलाकात करती है जहां भेड़ियों का अटैक हुआ है। न्यूज 18 की टीम पूरी रात गांव वालों के साथ सर्च ऑपरेशन में जुटी रही है और इस रिपोर्ट के जरिए समझिए कि कैसे बहराइच के गांव में लोग रात भर भेड़ियों को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। आदमखोर की तलाश में पूरी रात सर्च ऑपरेशन, लाठी बंदूकों के साथ गांव गांव हुई सख्त पहरेदारी, रात में गश्त पर पुलिस, पीएसी और ग्रामीण। ये देखिए गोले की आवाज जो आपको सुनाई थी, कहीं धमाकों की आवाज से भेड़ियों को भगाने की कोशिश तेज हो गई। डरे सहमे लोग हथियारों से लैस होकर खूनी पंजों से अपनों को बचाने के लिए पहरेदारी में जुटे दिखाई दिए। न्यूज 18 इंडिया की टीम बहराइच के उन इलाकों में पहुंचे जहां पर भेड़ियों का सबसे ज्यादा खौफ है। गांव वालों के साथ न्यूज 18 इंडिया की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन में जुटी है। कई गाँव वाले हाथों में लाठी और टॉर्च लिए गन्ने के खेतों में आदमखोर भेड़ियों को भगाने में जुटे दिखे। बहराइच के सिकंदरपुर गांव हम पहुंच चुके हैं जहां पर देर रात देखिए किस तरीके से लोग जो है पूरी रात जो है यहां पर लाठी डंडों के साथ जो है ये कोशिश करते हैं कि लोगों को जागरूक कर सके। इतना ही नहीं, ये गली गली में जाकर जो है लोगों को ये बता रहे हैं कि लोग जो है वो अपने गेट का दरवाजा बंद रखे। इतना ही नहीं, यहां पर लोगों के हाथों में देखिए किस तरीके से लाठी डंडे, ये देखिए गोले की आवाज जो है आपको सुनाई दी। दरअसल ये गोले की आवाज जो है इसीलिए लोगों को चौकन्ना रखने के लिए की जा रखी है ताकि अगर भेड़िया आसपास हो, क्योंकि इस गांव में जो है लगातार अब तक 3 बच्चों की जो है मौत हो चुकी है। देखिए इस तरीके से जो है लगातार जागते रहो जो है लोगों को कहा जा रहा है, लोगों को ये कहा जा रहा है कि भेड़िया जो है वो आसपास मौजूद हो सकता है, क्योंकि कल भी जो है यहां पर भेड़िया देखा गया था। खौफ इस कदर है कि जहां भी जरा सी भी आहट हो रही है वहीं पर लाठियों की बौछार हो जा रही है। गांव वाले कई टीम बनाकर सर्च ऑपरेशन में जुटे हैं। गुट में चलते जानवर, ऐसे गुट में ऐसे कई टीम है हम लोगों की, पूरे मजरे में यानी पूरे ग्राम सिकंदरपुर में कम से कम 6-7 टीमें हैं, सब चलती हैं अलग अलग। प्रधान जी ने बना रखी है टीमें। ये देखिए हवाई फायरिंग यहाँ पर की जा रखी है। हवाई फायरिंग दरअसल इसीलिए की जाती है क्योंकि आसपास जो है यहाँ पर भेड़िया जो है मौजूद हो सकता है और इसीलिए जो है ये कोशिश कर रहे हैं। देखिए एक एक जो है यहाँ पर चाहे झाड़ी हो गई, पेड़ हो गया, उसे हटा के देखा जा रहा है। शोर इसीलिए मचाया जाता है क्योंकि भेड़िया जो है वो शोर से सबसे पहले दूर भागता है। बहराइच के उन गाँव में जहाँ भेड़िया ने लोगों को निवाला बनाया है वहाँ पर पहरा सख्त है। लोग पूरी तरह से अलर्ट हैं। पूरी रात जाकर गन्ने के खेतों में भेड़ियों की तलाश करते दिखे। इस दौरान न्यूज 18 इंडिया की टीम भी मौजूद रही। किस तरीके से इन खेतों को जो है देखिए कभी भी जो है शायद इनमें से भेड़िया निकलकर बाहर आ सकता है। बिना किसी डर के अपनों को बचाने के लिए ये लगातार जो है यहाँ पर मौजूद है। आप लोग खेत के अंदर भी जाने की कोशिश करते हैं? खेत के अंदर जाते हैं जब कभी दिखाई देता है तो हम लोग उसका पीछा करते हैं। जी। अभी डर नहीं लगता क्योंकि देखिए छोटे छोटे बच्चे भी आप लोगों को कभी नहीं डर नहीं लगता मैडम, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए फिर जाते हैं। खेत है अपना और अपना परिवार है, गांव को में अंदर जाने के लिए हम लोग रोकते हैं कि गांव के अंदर अगर जाएगा तो कोई खतरा करेगा। कितनी चांसेस हो सकते हैं क्योंकि आप लोग बता रहे थे कि इसी जगह पे जो है भेड़िया हो सकता है? नहीं, भेड़िया का मैडम इधर गन्ने हैं और यहाँ पर जंगल है ज्यादा एरिया, इस नाते से यहाँ पर भेड़िया ज्यादा। किसी ने अभी मुझे बताया था कि आखिरी बार यही देखा गया था भेड़िया? आखिरी बार यही देखा गया था भेड़िया। लोगों में भेड़िये का खौफ जरूर है तो अपने को बचाने का हौसला भी है। इन गांव वालों के साथ पुलिस वाले भी रात भर पहरा दे रहे हैं। रात भर सायरन की आवाज गांव के सन्नाटे को चीरती नजर आई। बहराइच के औराही गांव में भेड़ियों ने 3 लोगों को घायल किया है। इसके बाद इस गांव में ई रिक्शा के जरिए लगातार अनाउंसमेंट हो रहा है कि लोग अपने बच्चों को घरों के अंदर रखें।
सुबह के 4 बजे का वक्त है और लगातार न्यूज 18 इंडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। देखिए किस तरीके से ई रिक्शा में, दरअसल मैं इसलिए बैठी आपको ये समझाने के लिए कि यहाँ पर जागते रहो कि आवाज जो है आपको साफ तौर पर सुनाई देगी। पूरे गांव में घूमते हैं। हाँ जी, चलिए चलिए। ग्राम पंचायत और ग्राम, कितने गाँव में आप लोग घूमते हैं जी? सुबह से पछलहरा। न्यूज 18 इंडिया की टीम पूरी रात इस सर्च ऑपरेशन में रही। इस दौरान हमारे कैमरे में ऑपरेशन भेड़िए की एक एक तस्वीर कैद हुई। बहराइच में क्या आम क्या खास, सभी पहरा देने में लगे हैं। इन तस्वीरों में देखिए स्थानीय विधायक के बेटे रात भर लोगों के साथ गश्त करते नजर आए। कितने बजे तक आप लोग गश्त करते हैं और कौन कौन से गाँव जो है आप लोग जाते हैं? हम लोग लगभग 5 बजे तक गश्त करते हैं और लगभग 50 गांव चिन्हित हैं जहां पे ये गश्त होती है। कहीं कहीं जैसा लगता है कि कहीं भेड़िया आया है, वहां पटाखे लगा के उसको भगाने की कोशिश की जाती है और घर के अंदर जहां तक ये कोशिश किया जाता है कि कोई घर के बाहर ना सोए, सबको अंदर लिटाने का काम किया जाता है। बहराइच के करीब 50 गांव में भेड़ियों का खौफ है और इसी तरह हर जगह लोग सर्च ऑपरेशन में जुटे हैं। बहराइच प्रशासन के मुताबिक भेड़ियों के हमलों में 9 बच्चों समेत 10 लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग घायल हो चुके हैं। यही नहीं, इन इलाकों में करीब 6 से 8 भेड़ियों के होने का दावा किया जा रहा है। सवाल यही है कि आखिर कब बहराइच से इस दहशत का अंत होगा, क्योंकि दिन लगातार बीत रहे हैं और खौफ अभी भी जिंदा है। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं तमिलनाडु के चेंगलपट्टू की रहने वाली पर्यावरणविद और ग्रीन पिलर की संस्था पर प्रसिद्धि ने नेटवर्क 18 के प्रोजेक्ट 1 ट्री की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि अगर हम प्रकृति की ओर एक कदम बढ़ाते हैं तो वो हमारी ओर हजारों कदम दौड़ते हुए आते हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि प्रोजेक्ट 1 ट्री निश्चित रूप से पर्यावरण को बेहतर करने में अच्छी भूमिका निभाएगा। हेलो एवरीबॉडी, आई एम प्रसिद्धि, 11-year-old सोशल एंटरप्रेन्योर एंड एनवायरमेंटलिस्ट। I am the founder of Prasiddhi Forest Foundation and the Green Pillar from Tamil Nadu Chengalpattu. And I am a nature lover. From always, I've really been inspired from nature, admiring the rustling of leaves, the buzzing of bees, and the waves of seas. At the age of 6, I decided I want to do my own tree plantation and planted more than 1,50,000 trees. I received Prime Minister National Child Award, the highest civilian honor under 18 in India. It was a motivation boost for me to continue my journey. Project One Tree, as the name suggests, it is all about how one tree can make a difference. We need to understand that if we take one step towards nature, it will come running thousands of steps towards us. The right soil, the right seed, the right environment, everything is important. But most importantly, love, compassion and adoration towards the sapling is what matters the most. Whether we plant one tree or 100 trees, our journey is going to be tough, but the learnings are going to be valuable. As young people, the zeal we have, the courage, the power, the creativity we have, if we unleash it for the betterment of our planet, the impact can be marvelous. Each tree, each drop we save, and every environmental action we take is going to matter in this journey. And Project One Tree will definitely play a crucial role in revitalizing